ये कहानी है एक ऐसे हवसी लड़के की जो औरतों को नहाते हुए देखता है और इनके साथ इंटीमेट होने की ख्वाहिश रखता है। तो क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाता है? जानने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नूरा को, जिसकी उम्र 12 साल है और वो औरतों के बाथरूम में अपनी माँ के साथ नहा रहा होता है। नूरा के दो लफंगे दोस्त होते हैं जो उसे मर्द और औरत के जिस्मानी ताल्लुक के बारे में बताते हैं, जिससे नूरा का औरतों को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन इसकी माँ के लिए नूरा अभी भी बच्चा था। नूरा अपने दो दोस्तों के साथ खड़ा था तो उनके सामने से दो खूबसूरत लड़कियाँ गुजरती हैं। उसके दोनों दोस्त उन लड़कियों को छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो लड़कियाँ उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देती। नूरा और उसके दोस्त छत पर चले जाते हैं और वहाँ काम कर रही औरतों को देखकर वो फीलिंग लेने लगते हैं। उनका ज़िंदगी में एक ही मकसद होता है कि किसी औरत के साथ इंटीमेट होना। इसके बाद नूरा और इसके दोस्त शराब की खाली बोतलें इकट्ठी करके एक शराब की दुकान पर लाते हैं और वो उन्हें बेच देते हैं, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। नूरा एक पार्सल लेकर सली के पास जाता है। सली एक मोची है। नूरा को देखकर सली कहता है कि मैं एक नाटक लिख रहा हूँ। नूरा इसकी दुकान के अंदर चला जाता है और इसका सामान देखने लगता है। इतने में एक औरत आती है जो सलीक के नाटक की हीरोइन थी। वो दोनों दुकान के अंदर चले जाते हैं और नूरा को बाहर ध्यान रखने के लिए कहते हैं। नूरा को लगता है कि सली उस औरत के साथ नाटक लिख रहा है, लेकिन सली उस औरत के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। नूरा कुछ लड़कियों को छेड़ता है, जिस वजह से उसके फादर उसे मारने लगते हैं, लेकिन नूरा की माँ उसे छुड़ाती है। वो उसे अपनी गोद में लिटाकर कहानी सुनाने लगती है। अगले दिन नूरा के फादर उसे एक सैलून पर काम के लिए छोड़ आते हैं। इतने में बाहर बहुत सारे लोग गुस्से में जाते हैं, जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको कैद रखा हुआ था और उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही थी। एक पुलिस वाला सैलून के अंदर आता है और वो किसी यूसुफ नामी आदमी को ढूंढ रहा था। यह सारी बात नूरा अपनी माँ को बताता है, लेकिन इसकी माँ कोई खास रिएक्शन नहीं देती। अगली सुबह कुछ लोग एक आदमी को पकड़ कर सली की दुकान पर लाते हैं, क्योंकि इस आदमी ने इनके मोहल्ले की लड़की को छेड़ा था। सली उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो सली से बदतमीजी करने लगते हैं। इतने में वहां पर मोहल्ले का डॉन आता है, जिसका नाम अली है। उसे देखकर वो आदमी डर जाता है और वो सली से माफी मांगने लगता है। इतने में एक औरत आती है जो बहुत खूबसूरत थी। शायद यही वजह थी कि सब खड़े लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस औरत का नाम लतीफ़ा था और वो नूरा की माँ की रिश्तेदार थी। वो नूरा और इसकी फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाती है। नूरा लतीफ़ा के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन नूरा के फादर को लतीफ़ा का आना पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी तलाक हो गई थी। शायद इसलिए वो उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन नूरा की माँ के कहने पर वो उसे घर में रहने की इजाज़त दे देते हैं। नूरा फादर की दुकान पर जाता है तो वो एक औरत के साथ प्लट कर रहे होते हैं। वो इतने शरीफ होते नहीं जितनी बनने की कोशिश करते हैं। नूरा को देखकर वो उसे अंदर जाने को कहते हैं। नूरा अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे एक गंदी मैगजीन मिलती है, जिससे वो औरतों की तस्वीरें देखने लगता है। नूरा मैगजीन को अपने दोस्तों को दिखाता है। तो अगले दिन नूरा अपनी माँ के साथ बाथरूम जाने लगता है, लेकिन मालकिन कहती है कि यह बड़ा हो गया है। लेकिन नूरा की माँ उसे अंदर ले जाती है और उसे नहलाने लगती है। नूरा इन औरतों के संतरों को देखने लगता है और एक दिन नूरा की बुआ अजीब हरकतें करने लगती है। उन्हें लगता है कि इसके अंदर जिन आ गया है। वो एक आदमी को बुलाते हैं। उस आदमी के साथ एक लड़की होती है। वो उन्हें बताता है कि अगर तुम इस लड़की को काम पर रखोगे और उसे घर के काम सिखा दोगे तो तुम्हारे घर से जिन भाग जाएगा, क्योंकि ये लड़की यतीम है और उसको सहारा भी मिल जाएगा। नूरा की माँ उस लड़की को अपने घर पर रख लेती है। इसका नाम लैला है। नूरा की माँ उस लड़की से घर के सारे काम करवाने लगती है। नूरा बाजार जाता है तो कसाई उसे एक गिफ्ट देता है। वो कहता है कि ये लतीफा को दे देना, लेकिन नूरा उस तोहफे को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। नूरा के घर में एक फंक्शन था, सब लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इसका बाप लतीफा पर चांस मारने लगता है। वो उसे पकड़ता है तो लतीफा उसे रोकने लगती है। नूरा ये सब देख लेता है। एक दिन नूरा लतीफा के पास खड़ा था तो वो उसे सली का हाथ देता है। लतीफ़ा उस खत को पढ़ने के बाद हंसने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं कभी भी सली को पसंद नहीं कर सकती। इनके घर फंक्शन था और नूरा औरतों के बीच बैठकर सब कुछ देख रहा था। इतने में नूरा का बाप आता है। वो नूरा को कमरे में ले जाता है। वो उसे बताता है कि बेटा तुम एक मर्द हो और तुम्हें औरतों में नहीं बैठना चाहिए। इतना कहने के बाद वो नूरा को वहाँ से भेज देता है और खुद औरतों की बातें सुनने लगता है। नूरा अपनी माँ के साथ बाथरूम में नहाने जाता है, लेकिन इस बार वो उन औरतों के संतरों को देख कर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और एक जगह बैठ कर हाथ घड़ी चलाने लगता है। एक औरत उसे ये काम करते हुए देख लेती है और उसे मार कर वहाँ से भगा देती है। तो नूरा को मार पड़ी थी और इसकी बेइज्जती भी हो गई थी,
इसलिए वो सबसे अलग एक कमरे में चला जाता है। इसकी माँ नूरा को ढूंढने लगती है लेकिन नूरा उसे नहीं मिलता। वो लैला को कहती है कि नूरा को ढूंढो। लैला उसे ढूंढने लगती है। नूरा उसे मिल जाता है। वो लैला के कमरे में सो रहा था लेकिन लैला उसे नहीं जगाती। जब नूरा को जाग आती है तो फंक्शन खत्म हो चुका था। नूरा फिर से अपनी छत पर चला जाता है। वो सली से मिलने जाता है तो देखता है कि लतीफ़ा पहले से ही सली के पास मौजूद थी और वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर नूरा के अंदर का मर्द बाहर आने लगता है। जब वो घर आता है तो लैला के साथ डॉगी स्टाइल करना चाहता है, लेकिन जब वो इसके करीब जाता है तो वो करवट लेती है और वो डर जाता है। अब लतीफ़ा सली को मनाने लगती है कि वो उससे शादी कर ले। दूसरी तरफ नूरा जब घर आता है तो लैला के करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन एक बार फिर से नाकाम रहता है। सली को शराब नहीं मिल रही थी तो वो खांसी के सिरप से नशा करने लगता है। सली सिरप से ही टुन हो जाता है। नूरा उसे घर छोड़कर आता है। जब वो अपने घर वापस आता है तो एक बार फिर से लैला पर चांस मारने की कोशिश करता है लेकिन एक बार फिर से वो वहां से भाग जाता है। नूरा की माँ कहती है कि आज से तुम मर्दों के बाथरूम में जाओगे। नूरा कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसकी माँ लैला को कहती है कि आज से नूरा को तुम नहलाओगी। वो इसे नहलाने लगती है और नूरा भी उसके नरम हाथों के मजे लेने लगता है। इसके बाद नूरा लैला को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नहला सकता हूँ। लैला परेशान होती है लेकिन नूरा कहता है फिक्र मत करो, मैंने पहले भी औरतों के बाथरूम में औरतों के संतरों और गर्म गोदाम को देखा है। वो कपड़े उतार कर लेट जाती है तो नूरा टॉवल हटाने लगता है। इतने में उसकी माँ आ जाती है। वो इन दोनों को इस हालत में देख कर कहती है कि लैला तुम्हारा आज आखिरी दिन है और कल तुम यहाँ से चली जाओगी। लैला को समझ आ जाती है कि आज उसकी आखिरी रात है और वो कुछ मजेदार करने का सोचती है। वो नूरा के घोड़े को अपनी गर्म गुफा की सैर करवाने के लिए जाती है तो नूरा भी इसके गुब्बारों से खेलने लगता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह वो आदमी लैला को लेने आता है लेकिन नूरा उदास था क्योंकि आज के बाद वो कभी भी लैला के साथ इंटीमेट नहीं हो पाएगा। लैला उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है जिसे देखने के बाद नूरा भी मुस्कुराने लगता है। वो आदमी जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा जवान हो गया है। इस बात को सुनकर नूरा का फादर समझ जाता है कि रात को क्या हुआ था। वो नूरा को मारने लगता है तो नूरा वहां से भाग जाता है और वो नीचे गिरता है। और अब इस घर में कोई भी नूरा के बाप की बात नहीं मानता और सब अपनी मर्जी से आजाद जिंदगी गुजारने लगते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।